अभी वैसे हम लोग सभी लोग साथ में शोज करते हैं, रुलिता, मैं, दानिश भाई, साइली, और पर आज मैं अकेले यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहूँगा कि अगली बार वो सभी लोग हम लोग साथ में आए चारों। अरुणिता संग तपाईको सबै लभ सङ्ग छ नि, यसै हो। अरुणिता संग दोस्ती है मेरी बहुत अच्छी। नेपालको लेडिजहरु चाहिँ कतिको मन पर्छ? हाँ, नेपाल में केही समय अगाडि चाहिँ तपाईहरुको एउटा कन्ट्रोभर्सी जस्तो आको थियो, कसरी सोल्भ गर्नुभयो त्यो कन्ट्रोभर्सीलाई? जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। इंडियन आइडल बनाउन यहाँको दर्शकहरुको पनि धेरै हात छ, र उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाई? मलाई नेपाल मन पर्छ। अरु के? तिमी सँग जुनी मर्नी चाहना छ मेरो, मा तिमी बिना अधुरो, तिमी मा बिना अधुरो, मलाई जुनी 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 तिम्रो हुन मन छ, फेरी 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 लैला भन्नला। मम्मी और पापा आए थे और छोटी बहन आई थी मेरी पशुपतिनाथ घूमने के लिए, और मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। वो तो कह रहे पूरा घूम के आना अच्छे से नेपाल में, और अभी जस्ट 2 महीने पहले वो लोग आए थे। अरुणिताले पनि खोज्नुहुन्छ होला किनकि हजुर दुईजना एकदमै मन परेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ? सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। सर्वप्रथम सम्पूर्ण जना हाम्रो पत्रकार टिमलाई चाहिँ स्वागत छ। नेपाल आइडल 2000 इन्डियन आइडल 2022 का पवनदीप राजन नेपाल आइसक्नुभएका छन्, र तपाईँलाई लागेका मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ अब पवनदीप राजनलाई सोध्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। सो पवनदीप राजन, नेपालमा स्वागत छ। थ्याङ्क्यू सर, थ्याङ्क्यू सो मच। र कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई नेपाल ल्यान्ड गर्नुभयो? बहुत अच्छा लग रहा है, और नेपाल बहुत खूबसूरत है। पहली बार काठमाडौँमा उतरा मैं और बहुत खूबसूरत लगा। र यहाँको के कुरा चाहिँ एकदम अचम्म लागिरहेछ तपाईँलाई? अचम्ब ये है कि मैं पहली बार नेपाल आ रहा हूँ, और बहुत मन था मेरा यहाँ से आने को। हमारे घर से महेंद्र नगर वगैरह पास है, काठमांडू आने का मौका नहीं मिला कभी, और आज शो करने के लिए पहली बार आने का मौका मिला। र तपाईको शो के हुन्छ अनि कुन कुन गीतहरु तपाईले परफॉर्म गर्नुहुन्छ? सर सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, और नेपाली गाने भी बहुत आते हैं मुझे, तो वो भी गाएंगे और हिंदी भी गाएंगे। और उतरते ही पहले हमें दर्शन के लिए जाना था भगवान के, बट अभी साउंड चेक में जाना है डायरेक्ट, तो कल हम लोग जाएंगे। तपाईको नेपालमा धेरै फ्यान फलोअर्स हुनुहुन्छ, र तपाईलाई इन्डियन आइडल बनाउन यहाँको दर्शकहरुको पनि धेरै हात छ, र उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाई? सभी लोगों को थैंक यू कहूँगा, और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और नेपाल से भी इतना प्यार मिला, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, नेपाल आया हूँ परफॉर्म करने के लिए, और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग खुश हों, और मैं गाना गाने की भी पूरी कोशिश करूँगा, उसी के लिए आए हैं यहाँ पे, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। कति दिन का लागि बस्दै हुनुहुन्छ? 2 दिन के लिए। ओनली फॉर 2 डेज। सो कहाँ कहाँ जाने सोच्नु भएको छ, के गर्ने सोच्नु भएको छ? मैनेजमेंट हमारे सूरज सर बताएंगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे करके, क्योंकि मैं तो अभी बहुत जी जी वहाँ को स्कूल आज खास आज हम वहाँ को फर्स्ट स्टार्टिंग में हम वहाँ नेपाल आई सके वहाँ को इच्छा चाहिए नातेश्वर भगवान जो नुवाकोट में रहकर जो प्रज्ञास भगवान थे वहाँ को दर्शन करने इच्छा थी, रो आज वहाँ जो एयरलाइंस 2 घंटा लेट भाग आज वहाँ को कार्यक्रम भैन रो कार्यक्रम भोलि हम कंटिन्ू करने आज वहाँ को सो चाहिए याग्नेटी में रोटरी क्लब अफ पार्टनर वेस्ट को जो अवार्ड सेरेमनी वहाँ ने आज बेलुका 7 बजे पठन करते हुए याग्नेटी में, रेस पीछे भोलि लॉर्ड अफ ड्रिंक्स एलओडी थमेल में वहाँ को 9 बजे बड़ वहाँ को पर्फर्मेंस वहाँ को पर्फर्मेंस भोलि पब्लिकली सबले हेन पाँच रेस को लगी टिकट वेट हमें 2500 से 3000 भिआइपी र टेबल बुकिंग भैया अल ओवर स्टिकर तो लगभग लगभग सेल भैस थोड़े टिकट बाकी मीडिया मार्फत जो पवनदीप को फैनर होगा वहाँ को प्रस्तुति हेन चाहूँ तब एलओडी भोलि 7 बजे बड़ा डोर ओपन हो वहाँ आने सकूँ। विशेषगरी स्टार आउँदाखेरि बाहर के स्टार आउँदाखेरि एकदम क्राउड होने गर्छ क्लबर में है टिकट को पच्चीस के आइरहेको हुन्छ यो कसरी मैनेज कर अलग हम टिकट सेलिंग हमें आईएमई पेपर कर अलसम सब अनलाइन सेलिंग भैर हम रेस्पोन्स आई वहाँ को फैन यो फैन रहे कि मैं जानकारी कराँ लाई हम एकदम वृद्ध 93 वर्ष को हम अभिभावक बुआ हो वहाँसम जो पवनदीप को फैन भर वहाँ को टिकट लिन्नभएको छ र म उहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु आपके सोकेले 93 वर्ष का जो
ओल्ड एज फादर है वहाँ ने आपका टिकट खरीद लिया है। अरे वाह, सँगसँगै नेपालका अलि चर्चित एकदमै म्याक्सिमम म के जाने म्याक्सिमम उहाँको फ्यानहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको अलिकति एजेड हुन्छ नि, त्यो टिन एज भन्दा पनि हाम्रो मध्य एजको फ्यानहरू बढी हामी भेटाएका छौँ। पवनजी हजुरले चाहिँ नेपालीमा बोल्न सक्नुहुन्छ थोरै फ्यु वर्ड्स? क्या कुछ बोलो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। मलाई नेपाल मन पर्छ। मलाई नेपाल मन पर्छ। अरु के नेपाली गीत पनि परफॉर्म गर्नु भएको छ नेपालमा। तिमी सँग जिउनी मर्नी चाहना छ मेरो, मा तिमी बिना अधुरो, तिमी मा बिना अधुरो, मलाई जुनी 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 तिम्रो हुन मन छ, फेरि 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 लैल भन्नला। हजुरको बाबा र हजुरको बाबा र बहिनीले इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको थियो, नेपाल घुमे घुमे अनि पशुपति पनि घुमे भन्नुभएको थियो, हजुरले त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभएको छ? वो लोग आए थे, मम्मी और पापा आए थे और छोटी बहन आई थी मेरी पशुपतिनाथ घूमने के लिए, और मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। फैमिली मेम्बर्स के भन्नुभयो नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ कहाँ चाहिँ? वो तो कह रहे पूरा घूम के आना अच्छे से नेपाल में, और अभी जस्ट 2 महीने पहले वो लोग आए थे तो बहुत खूबसूरत है, और मेरे ताऊ जी की मेरी बड़ी मम्मी लोग हैं वो नेपाल से ही हैं सब, तो घर वाला ही रिश्ता है एक, तो थैंक यू। र अब कतिलाई गुनासो पनि हुन्छ होला, जम्मा 2 दिनको लागि मात्रै आउनु भएको रहेछ, तर दुई दिन मात्र नेपाल घुमेर त भइँदैन, सेलेक्टिभ प्लेसेसहरू चाहिँ कहाँ कहाँ जाने इच्छा छ हजुरको? उहाँको भोलिको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो भोलि मर्निङमा उहाँको 6:30 माउन्टेन फ्लाइट छ, त्यसपछि आफ्नो उहाँ पशुपति दर्शन गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि उहाँलाई इन्डियन एम्बेसीमा उहाँको इन्भाइट छ बिहानको ब्रेकफास्टको लागि। र पवनजित मात्रै यहाँ देख्दा फेरि कतिजना नेपाली फ्यान फलोवर्सले चाहिँ अरुणिताले पनि खोज्नुहुन्छ होला, किनकि हजुरहरू दुईजना एकदमै मन परेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ? अभी वैसे हम लोग सभी लोग साथमै शोज गर्थे हैं, अरुणिता मैं दानिश भाइ साइली, और पर आज मैं अकेले यहाँ पे आया हूँ, मैं चाहूँगा कि अगली बार वो सभी लोग हम लोग साथ में आए चारों, और उन तीनों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ सभी लोगों को, और अभी हम लोग ने US कनाडा साथ में परफॉर्म किया था, तो इस बार नेपाल अकेला आया हूँ, अगली बार चाहूँगा कि आप सभी लोग उनको भी बुलाएं और हम सब साथ में आए। अरुणिता के संग दोस्ती है मेरी बहुत अच्छी, और अभी लव के लिए टाइम नहीं है सर, अभी काम कर रहे हैं, अभी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, लव कहाँ कर पाएंगे, तो सो सॉरी, और जब भी अगर कुछ ऐसा होगा तो पता ही चल जाएगा ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। नेपाल नेपालको युवतीहरु चाहिँ कतिको मन पर्छ नि तपाईलाई? क्या दोबारा पूछिए? नेपालको लेडिजहरु चाहिँ कतिको मन पर्छ? हाँ, नेपाल में लेडिज मैंने अभी देखे नहीं अभी, ऐसे तो अभी मतलब मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है सर कुछ इतना। ज्वाई बन्न मन छ तपाईलाई नेपालको? नेपालको ज्वाई बन्न मन छ? सन इन लॉ? अरे नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ मैंने इतना सोचा नहीं है, ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी, अभी 7-8 साल तो म्यूजिक ही करना है बस, 8 साल बाद आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ओके, र एट लास्ट क्वेश्चन, अल द भेरी बेस्ट तपाईको प्रोग्रामको लागि, र केही समय अगाडि चाहिँ तपाईहरुको एउटा कन्ट्रोभर्सी जस्तो आएको थियो, कसरी सल्भ गर्नुभयो त्यो कन्ट्रोभर्सीलाई? कन्ट्रोभर्सी मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कुछ, मैं कहता हूँ आप कह रहे हो, मैं सोया रहता हूँ, अब मैं सोया रहता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप कुछ कह रहे हैं, तो वो निकल जाती है कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब मेरे को तो ऐसा पता नहीं है कुछ, और बाकी कॉन्ट्रोवर्सी क्या होती है ये भी नहीं पता, बस मैं तो गाना गाने का काम है, गा देते हैं और अपना काम हो जाता है। एंड लास्टली LOD में हजुर परफॉर्म करते हुनुहुन्छ, सो कति जना आउँदै हुनुहुन्छ हजुरलाई भेट्नलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैम मेरे को तो अंदाजा नहीं है कितने लोग आने वाले हैं, सर लोगों को पता होगा, बट एकदमै धेरै, थैंक यू सो मच, बस कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से कर पाऊँ ये शो। एट लास्ट तपाईको फेभरेट सङ जुन तपाईलाई स्टेजमा परफॉर्म गर्दा एकदम मन पर्छ त्यो गीत गाइदिनुहुन्छ? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, शायद है, तेरी मिट्टी है, और बहुत सारे, मतलब पूरी अच्छी लिस्ट बना के आया हूँ मैं, कल आप लोग सुनेंगे। वन लास्ट सॉन्ग है, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।